किसान भाइयों, मैं मसूरी में हूँ। यहाँ पुष्पेंद्र जी का ये दूसरा खेत है, ये असोज जी है जी। कैसे हो? बस जी बढ़िया ताऊ जी, नमस्कार। अच्छा नमस्कार, ये तो बहुत सुंदर खड़ा है। अच्छा पूरा जम रहा है? तो पूरा जम रहा है। तो ये कब का, कौन सी तारीख को बोया था आपने? 15 सितंबर को बोया था। अच्छा पूरा 15 सितंबर को। भाइयों देखिए, पूरे खूट लग रहे हैं, जरा भी पाले का असर नहीं है इसमें। 8 इंच की जगह वही 60 इंच पे है। हाँ जी 60। और ये सरसों बो दी थी इसमें, और ये सरसों कट जाएगी तो गन्ना बिल्कुल तैयार है, देख लो आप। ये भाइयों सितंबर का बोया, ये गन्ना 5 फुट 5.5 फुट हो रही जी पत्ते ऊपर, और जैसे ही सरसों निकलेगी इसमें तो खूट अट जाएंगे पूरे। हाँ जी 28 फरवरी को सरसों कट जाएगी, और एक बार खाद गेर का यू सल्फर। तो ये आपने 15 सितंबर को गन्ना बोया था इसमें? हाँ जी है ना, 15 सितंबर को तो गन्ना बोया था जी। और 4 अक्टूबर को सरसों बोई थी। बिल्कुल दोनों चीज़ समय से पहले हैं, अगेती। हाँ जी, इसलिए अच्छी खड़ी है। हाँ जी। अगर अभी मैं एक जगह गया था, वहाँ सरसों में ईख थी और वो 1-6 इंच का पौधा था, कोई कोई था, वो उन्होंने लेट कर दिया, वो एक नवंबर में बोया ना, यू गलत है। तो वो गलत रहा, टेम्परेचर ही नहीं था ना, तो मज़ेदार सरसों थी उसमें, वो भी लेट होगी और गन्ना भी लेट हो गया। सरसों में 15 सितंबर को बो देता है इस बार, तो 15 सितंबर में गर्मी बहुत थी। गर्मी थी हाँ, तो ये इतने दिन से फूला तभी। सरसों का टाइम जो 15 अक्टूबर लास्ट है, हाँ जी, इसके बाद में तो फिर मज़ा नहीं आता। अब देखो अब ये चेपा उपा जवाब है, कुछ नहीं आ रहा इसका। और ये भी मेरे ख्याल में 2 क्विंटल के आसपास ना निकल जा, तो थोड़ी सी ये गलती होगी इसमें, थोड़ी सी छांटनी पड़ थी। हाँ पहला था सरसों का, मैंने तजुर्बा करा, जैसे खड़ी ना ये। वैसे मेरे पिताजी कह रहे थे मैं जी हो जाए, जो होएगा कम से कम 1 फुट पे पेड़ होना चाहिए, और नहीं तो 1 हाथ होना चाहिए। अगर हम 1.5 फुट पे पेड़ छोड़ दें, बाकी को चारे में खुवा लें, तो 2-2.25 क्विंटल पर निकलती है सरसों। मैंने निकल दिया खुद, क्योंकि फिर वो मेढा कर जा। लेकिन बहुत अच्छा मतलब फसल खड़ी है। कितना खेत है ये जी? पूरा 1 एकड़ है। 1 एकड़ है भाइयों, देखो इसमें गन्ना आपने देख लिया, और देखो यहाँ भी चमक रहे हैं पोवे, क्लियर खुड़ चमक रहे। ये बिजार ने खा दिया थे? हाँ, वो तो खाजा नुकसान तो दे रहे, और बहुत अच्छा लगा खेत खड़ा है। गन्ने की जो लागत है वो सारी वसूल है। और भाइयों मैंने एक तजुर्बा और करा, गन्ना अगर गन्ने का मज़ा लेना है और ट्रंच विधि का, इसे तो सितंबर अक्टूबर में बोवें, ये गेहूँ पोवों का बो दें बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं। अगर बोणा गेहूँ का 1-2 बीघा बीज बोलें सिर्फ, ये जी सितंबर अगले सितंबर में तैयार हो। हाँ, और उसकी जो है अगेती पेडी काट के फिर भी सरसों बो सकते हो। तो असोज जी में सितंबर वाले में सरसों होगी आपकी, फिर पेडी काट के चाहे रस वाले को दे लो या फैक्ट्री में डाल लो, अक्टूबर में मील चल जा, फिर सरसों बो दो, और फिर पेडी भी जबरदस्त हो जाएगी। तो भाइयों मेरा जो तजुर्बा है इस तरह का है, बाकी आपकी सोच है। देखिए ये भी सरसों खड़ी है, वो मज़ा नहीं है भाइयों।